हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हो इलेक्ट्रिकल अनुज चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में ये बताना चाहता हूं कि यदि अगर आपके पास एलईडी बल्ब है वो बार बार खराब होता है, तो बार बार खराब होने का कारण ये होता है कि कभी बिजली आपके घर में कम आती है और ज़्यादा आती है, तो उसके वजह से ये खराब हो जाता है। तो उसके बचाव के लिए हम क्या करेंगे, आज हम एक ऐसा बोर्ड बनाने जा रहे हैं जो कि हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करके हम बोर्ड बनाएंगे, ठीक है, और एलईडी ताकि हमारी बार बार खराब न हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा किस तरीके से मैं बना रहा हूँ, आपका भी एलईडी बल्ब बच जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा 7 मॉडल स्विच बोर्ड है, ठीक है, ये इसमें हम आपको बना के आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कंपनी की तरफ से कटिंग है, यहाँ पे हम एक सॉकेट लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। पहले हम इसको कटिंग कर लेते हैं, किस तरीके से हमको कटिंग करना है अब इसको कटिंग करके आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कटिंग कर लिया है, अब यहाँ पे हम बैठाएंगे सॉकेट, ठीक है। तो हमारे पास ये एंकर की स्विच है, इसमें हम एंकर की स्विच लगाएंगे और यहाँ पे जो है सॉकेट भी हम एंकर कंपनी का ही लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसको किस तरीके से लगाना है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से रख देना, अब इसके बाद इसको स्क्रू की मदद से इसको टाइट कर देना है। तो यहाँ पर मैं टाइट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसी तरह स्टेप बाय स्टेप मैं सबको लगा दूंगा इस तरह, देखिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अब वायरिंग करेंगे। वायरिंग किस तरीके से करेंगे हम आपको दिखाते हैं। इस साइड हमारा सीधा है, ये हमारा न्यूट्रल है, ये हमारा लाइन है। इसमें स्विच में 2 टर्मिनल होते हैं, ठीक है, 2 पॉइंट। ये देखिए जो मेन निचला हिस्सा होता है वो मेन होता है हमेशा, और जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है जो कि स्विच से हम जब ऑन ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे तो ऊपरा हिस्सा जो है हमारा काम करेगा, ठीक है। ये जो ऊपरी पॉइंट है ये हमारा काम नहीं करेगा, ऑन करेंगे तब हमारा ये काम करेगा, ठीक है, मतलब वर्क करेगा। हम 4 पॉइंट जो 4 स्विच है हम इनमें सबसे पहले कनेक्ट करेंगे, इसको खाली छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने वायर को छील लिया है, ठीक है, अब इसको इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। बस यहाँ पे देखिए हमने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया, कनेक्ट कर दिया हूँ अब इसको, ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ से यहाँ पे लाइन में कनेक्ट कर रहे हैं, ये हमारा न्यूट्रल है, इसको छोड़ रहे हैं, सबसे पहले हम लाइन को कनेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ये हमारा स्विच से सॉकेट में कनेक्ट हो चुका है। ये देखिए हमारा इंडिकेटर है, इंडिकेटर से हम सबसे पहले इसमें मेन देंगे, ठीक है, यहाँ पे मेन हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ये इंडिकेटर से हमने स्विच के निचले वाले हिस्से में, निचले वाले पॉइंट में हमने मेन लगा दिया। यहाँ भी देखिए हमारा न्यूट्रल आएगा, न्यूट्रल को जो हमको क्या करना है कि जो सॉकेट है सॉकेट के न्यूट्रल वाले हिस्से में हमको लगाना है, जो सॉकेट का जो एक हिस्सा बचा था एक पॉइंट, अब इसमें हम लगा दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बाहर जो है न्यूट्रल और फेस निकाल देते हैं, यहाँ पे हम मेन कनेक्शन निकाल रहे हैं, ठीक है, इंडिकेटर से ही हम मेन कनेक्शन निकाल ले रहे हैं। हम यहाँ पे मेन निकाल लिए हैं, ये हमारा इंडिकेटर है, यहाँ देख लीजिए ये हमारा इंडिकेटर है, ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट है, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारा जो कनेक्टिंग किए हैं स्विच में, अब इसके बाद हमको क्या है, तो सबसे पहले हम इसको जो है कनेक्टिंग करेंगे, मतलब एलईडी का कनेक्शन कर लेते हैं, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि कौन सा किस तरीके से कनेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए हमने स्विच से 4 एलईडी का कनेक्शन निकाल लिया है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा 4 एलईडी का कनेक्शन निकल चुका है। अब इसके बाद हमारा इस तरीके का हम होल्डर ले रहे हैं, इसमें हम आपको प्रैक्टिस करके, मतलब आपको हम दिखा रहे हैं, जला के दिखा देंगे, आप उसी तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारा होल्डर का कैप है, अब इसमें इस तरीके से लगाना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि एक न्यूट्रल इसमें लगा देना है होल्डर में, होल्डर के एक पॉइंट में न्यूट्रल लगा देना, होल्डर के एक पॉइंट में हमको न्यूट्रल लगा देना है, दूसरी पॉइंट में हमको मेन लगा देना है। मेन का मतलब ये जो स्विच से हमारा गया है इसको लगाना है।
तो इसी तरह दोस्तों सभी होल्डर का कनेक्शन कर लेना है। देखिए दोस्तों, पहला मैंने इस तरीके से कर लिया है, ठीक है, दूसरा भी कनेक्शन कर लिया है, अब तीसरी की बारी आई है, तीसरा भी कर रहे हैं, ठीक है। एक लिया है, न्यूट्रल जो है हमने ज्वाइंट सीरीज मान लिया है, ठीक है। अब इस तरीके से लगा देना है और इसको क्या करना है कि मेन को भी इसी तरह लगा देना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, हमने होल्डर लगा दिया। अब इसको क्या करेंगे कि हमारा बचा है न्यूट्रल, न्यूट्रल जो बचा है हम यहाँ पे सॉकेट में कनेक्ट करेंगे, सॉकेट का न्यूट्रल में जो है न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। आप चाहेंगे तो इंडिकेटर में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी जो जगह थी इसमें मैंने 5 इंच सॉकेट में लगा दिया है, ठीक है। अब बारी आती है जो है कैपेसिटर की, ठीक है। तो अब कैपेसिटर को किस तरीके से लगाना है मैं आपको दिखाता हूँ। कैपेसिटर में 2 पॉइंट है, ठीक है। पहला पॉइंट जो है हम इसमें यहाँ पर लगाएंगे, स्विच के नीचे वाले हिस्से में। अब देखिए दोस्तों, हमने कैपेसिटर को पहला जो पॉइंट था इसमें हमने लगा दिया है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट बचा हुआ था, मेन कनेक्शन नहीं हुआ था इसमें। तो अब क्या करेंगे कि हम इसमें जो है कैपेसिटर का जो पहला पॉइंट इसमें लगा दिया, अब इसके बाद दूसरा पॉइंट जो है हमको इसमें लगाना है मेन में, हम कैपेसिटर को लगाएंगे, ठीक है। तो कैपेसिटर को किस तरीके से लगाना हम दिखा रहे हैं, अब इसको वर्क करा के हम दिखाते हैं आपको फाइनली किस तरीके से हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमने बल्ब भी लगा दिया है, अब इसकी बात ये आती है वर्क कराने की, मतलब इसको चालू करके दिखाना, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से वायर को छील लेते हैं, तो देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे जो है लाइट आ चुकी है, अब इसको चालू करते हैं, ठीक है। ये हमारा सॉकेट का था और दूसरा हमारा एलईडी का है, ये देखिए, एक एलईडी, दो एलईडी, तीन एलईडी और एक चार एलईडी, मतलब ये हमारी अच्छी तरीके से एलईडी हमारी चारों वर्क कर रही है, मतलब हमारी जल रही है, मतलब हमारा ये मिशन जो है सक्सेसफुल है, मतलब इस तरीके के वर्क से हम अपनी एलईडी को अच्छी तरीके से बचाव कर सकते हैं। ये तो इस तरीके का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, मतलब कैपेसिटर लगा के भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये होता है कंट्रोलर, ठीक है। ये मतलब बिजली को कंट्रोल करके आपको देती है, क्योंकि ये एलईडी फ्यूज होने का कारण ये होता है कि मतलब आपके घर में कभी फास्ट आ गई लाइट, कभी कम आती है, तो उसकी वजह से भी एलईडी हमारी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो इसको लगाने के बाद आपका एलईडी जो है ख़राब नहीं होगा, बहुत ही कम चांस होगा कि ख़राब होगा, नहीं तो आपका एलईडी बल्ब जो है सेफ रहेगा, ठीक है दोस्तों। यदि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद।